हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस। और इससे पहले कि हम लोग अपनी मेन स्टोरी को आगे कंटिन्यू करें, ज़रा हमारी जो नोबी टूल्स की अपग्रेड्स हैं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि मीबो विलेज में हमें हमारा जो शिनोबी फायर टूल था उसकी एक अपग्रेड मिली थी। ये ऑलराइट, तो 1000 कॉइन इसके लिए चाहिए। उसके अलावा ये अपग्रेड ठीक है, 1000 इसके लिए। हेल कंटेंट ये भी ठीक ही है, 1500 इसके लिए। ओके, तो 3000 कॉइन्स, 3 किसे ओपन करवा लें, और बाकी छोटे पर्सेस हैं। लेट्स गो। अमेजिंग, काफी होने चाहिए इतने। ये ठीक है, उसके अलावा ये और ये। उसके अलावा अब ये अपग्रेड्स अवेलेबल हैं, ये अच्छी है, बट मे बी हम लोग ये नहीं ले सकेंगे अभी कुछ टाइम के लिए, बट इट्स ऑल राइट। या बाकी इतनी ज़रूरी नहीं है। मैं एडमेंटाइट स्क्रैप और ये फ्लूमिनेटेड मरकरी जो है, ये वाली चीज़ इसको बचा कर रखूँगा इस अपग्रेड के लिए। बहरहाल वी आर गुड हेयर। और लेट मी सी, क्या मेरे ख्याल से अर्चना डेप्थ जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से अबैंडन डंजन जाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम जो हम साइड क्वेस्ट देख रहे थे, देखते हैं कि क्या वो अब आगे प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। जस्ट फौरन से एक बार चेक कर लें उसे। ओके, इनको मैंने कहा क्लियर करता जाऊं, वरना ये दोबारा से हमें मिड डायलॉग या मिड किसी चीज़ के अंदर तंग ना करें। ओके, तो ये बंदा स्टिल यहाँ पे खड़ा है। वेट अ सेकंड। खोता है रो दो सक, आगा शियो दो सक। ओके, तो ये डायलॉग ऑप्शन आ रहा था। खोता है आग दो, ये कोई नया डायलॉग नहीं है। ये भी अब क्योंकि सारे डायलॉग्स अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब ये मूव करें नेक्स्ट लोकेशन पे। ऑल राइट, तो अब जो यहाँ नहीं है तो डेफिनेटली उसी जगह पे होगा जहाँ पे हमने उस सैमुराई से फाइट की थी। और ये बंदा फाइट करता है जिस तरह से सेनपो टेंपल के मॉक्स फाइट करते थे, बिल्कुल वही मूव सेट होगा। और अगर आप लोगों ने सैमुराई को डिफीट कर लिया है, तो ये फाइट मुश्किल नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली उन मॉन्क्स से थोड़ा हार्ड हिटिंग है, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। वाओ, थोड़ा सा लेट हो गया मैं उसके फ्लैग पे। ये भी मुझे थोड़ा और मजीद अग्रेसिव होकर फाइट करनी चाहिए थी, बट वी आर गुड, ही इज डेड। Academics red lump मिलेगा इस quest line को complete करने से, जो कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम इस item को कभी use करेंगे, but whatever, ये quest line यहाँ पे end हुई। Main इस quest line को progress करने का मकसद था इससे rare upgrade material लेना, जो कि हम ले चुके थे already जब हमने इसको वो red eyes ला के दी थी। Okay, so यहाँ से अब travel करें।
एप्स और वाटरमिल। मैंने एक आइटम यहाँ छोड़ दिया था, बहुत ज़रूरी आइटम नहीं है बट वट एवर, जस्ट 3 पैलेट्स थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे एक बंदा हमें मिला था इस हट के अंदर, जिसने सर पे बास्केट पहनी हुई थी। तो ये बंदा जो है वो अब परियो ट्रांसफॉर्म हो चुका तोरा होगा। नोंजी मत्ता। तो क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा ट्रांसफॉर्म हुआ है, शायद इस वजह से इसकी हेल्थ बाकियों से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये एक हिट में नहीं मरा। बट इसे यहाँ पे आके हम लोग मार सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके ट्रांसफॉर्म होने की जो जो ट्रिगर है वो जो हम लोगों ने सेकंड में दिखा सकूँ अगर तो, या उस वाले एरिया से जहाँ से हम लोगों ने अपने इस फायर टूल की अपग्रेड पिक की थी, अपग्रेड आइटम पिक किया था, उस आइटम को पिक करने के बाद ये बंदा ट्रांसफॉर्म होगा। और राइट, तो ये काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका और अब शुरू करें मेन जो चीज़ हम लोगों ने करनी है। बस मैंने रेस्ट इसलिए किया है कि एक दफ़ा सब कुछ रीसेट हो जाए, मैं भी करने की ज़रूरत नहीं थी रेस्ट, बट वट एवर। तो लेट्स गो, जहाँ पे हम लोगों ने फाइट की थी करप्टेड मॉक से, और अब हम एंटर करेंगे उस केव में। अगेन इससे मुझे फाइट करने में इंटरेस्ट नहीं है, सो जस्ट डू दिस। और रही सामने केव, और इस केव से मिलेगा वो सेकंड पीस शेल्टर स्टोन फाउंटेन हेड पैलेस में पहुंचने के लिए। और इसको जैसे ही हम पिक करेंगे, क्योंकि लोटस फ्लावर हम लोग ऑलरेडी संकेन वैली से पिक कर चुके हैं, और जैसे हम इसको पिक करेंगे सेकंड मटेरियल को, वर्ल्ड इवेंट अब चेंज हो जाएंगे। अब अगर हम वापस जाएं आइडल पे, तो जो आशिना कासल है स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, तो आशिना कासल की स्टेट चेंज हो जाएगी काफ़ी सारी। तो आशिना कासल में अब कोई भी जो आइडल है वो अवेलेबल नहीं है फास्ट ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ इस जो अबैंडन डंजन वाली एंट्रेंस है उसको छोड़ के। और बात यह है कि अब आशिना कासल के ऊपर मिनिस्ट्री की तरफ से सीज हो रही है, एक तरह से मिनिस्ट्री एक और हमला कर रही है आशिना कासल को कैप्चर करने के लिए। कोताई नो को डाले मो कुनु दे। राइट, ओह नो, सो अगर फ़ौरन से आके इसको एंटी डेथ ब्लो, एंटी एयर बोल रहा हूँ, फ़ौरन से अगर आके इसे डेथ ब्लो नहीं भी लगती है तो कोई मसला नहीं है। आप लोडेड स्पेयर को यूज़ करते हुए इसका जो आर्मर है वो इसके ऊपर से उतार सकते हो, तो फाइट मज़ीद ईजी हो जाएगी। तो ये अब नए टाइप के एनिमीज यहाँ पे होंगे। ये लोग अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं, बट अगर डिफेंसिव रह के इनसे फाइट की जाए तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मतलब कुछ न्यू लूट जो है वो यहाँ पे स्पॉन हुई होगी। इधर जाने का बोला था इसने,
एक ये नई चीज़, और उसके बाद यहाँ पे डाइव करेंगे ट्रेजर कार्प के लिए। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे वैसे क्या, ये एक एनिमी, चलो आ ही गए हैं तो फिर ये एनिमी अब बहुत तादाद में मौजूद होंगे यहाँ पे। मतलब एक ये पर्पल निंजास और वो रेड सैमराइज जिनसे अभी पहले फाइट हुई थी ब्रिज पे, वो लोग अब भर भर के यहाँ पे मौजूद होंगे। इससे पहले कि यहाँ ऊपर जाएँ, ज़रा ये आइटम अनलॉक कर लूँ, आशीना रेजरवायर वाला। एक्चुअली आशीना रेजरवायर वाले एरिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं हुई होगी, तो हमें इस एरिया को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो बैक अप। ओके, और ये रहा मेन स्टेयर्स वाला आइडल। तो ये ब्रिज एक्चुअली गिरा दिया गया है इस सीज की वजह से, तो इस वजह से हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और ट्रूडर्स, यस आई नोटिस्ड, लेट्स गो अप हियर, क्योंकि कासल के अंदर से तीन रेड सैमुराइज बाहर आएंगे इस बंदे का पीछा करते हुए। थोड़ा वेट करते हैं उन तीनों के बाहर आने का, अगर वो तीनों आ भी रहे हैं तो। यप, दे आर कमिंग, क्योंकि इन तीन से एक साथ फाइट करना अच्छा नहीं है। वेरी गुड। तो मतलब जैसा कि मैंने बोला कि ये एनिमीज डेंजरस साबित हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छा खासा हिट करते हैं ये, बट फिर भी मोस्टली डिफेंसिव रहते हुए इजीली इनको डील किया जा सकता है। सो ये डोर एक्चुअली फिलहाल यहाँ से ओपन नहीं किया जा सकता, और इस डोर के दूसरी तरफ एक चेंड ओगर वेट कर रही है हमारा, कर रहा है, वट एवर। तो साइड पे जरा, मतलब सेम मैं वही पार्ट ले रहा हूँ जिस तरह मैंने पहले आशीना कासल को क्लियर करवाया था, बस डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे नए एनिमी स्पॉन हुए हैं। ओके, इसको अब मैकेनिक काउंटर किया जा सकता है। उसके स्विंग करने का स्टाइल कुछ इस तरह का था कि मुझे लगा कि यहाँ देखा जाए कि ये स्वीप अटैक होगा। बट एक्चुअली इस अटैक को हम मैकेनिक काउंटर कर सकते हैं। पिक करें ये दो चीज़ें, और उसके बाद रूफ टॉप्स को लेते हुए अगेन हम लोगों ने पहुंचना है एंटी चैम्पर वाले आइडल तक। यहाँ पे एक्चुअली कुछ अनोइंग एनिमीज होंगे, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सिंपली इनको छोड़ के बस यहाँ से लूट पिक करें और निकलें। पैलेट्स पिक कर लिए थे, और यहाँ पे होना चाहिए ये एडमेंटाइट स्क्रैप या स्क्रैप मैग्नेटाइट ऑफकोर्स। यहाँ पे होगा एक
और ये पर्पल निंजा, कम ऑन ब्रा, और इसका वुल्फ। इसको मारे, वेरी नाइस। सो अब इस एरिया में कुछ लूट आइटम्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे पर्पल निंजाज काफ़ी तादाद में है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बारी बारी करके अगर फाइट करनी है इनसे तो एक एक करके इनको लर्क करना है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मतलब ये सारे एग्रो हो भी जाते हैं तो बेहतर ये है कि फिर आप सिंपली रन करें और उस एंटी चैम्बर वाली जो रूम है तो वहाँ घुस जाएं फ़ौरन से बगैर इनसे फाइट किए। सो ये भी मैं इसे सुकून से डेथ ब्लो मार सकता हूँ। ओके नहीं, काम ख़राब हो गया, दो ने देख लिया मुझे, दैट्स नॉट गुड। मे बी सेकेंड वाला मुझे यहाँ फॉलो नहीं करेगा, ये अच्छा है इनकेस अगर एग्रो हो भी जाते हैं सारे तो आप लोगों को ये देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इनसे कैसे डील करना है। तो ये एनिमीज बहुत बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, कम ऑन ब्रो, कम ऑन। एक बार ये इस साइड पे आ जाए तो फिर ये इजीली फॉलो कर लेगा हमें। तो ये एनिमी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका केप वगैरह से देख के पता चल रहा है, तो ये इस वजह से थोड़े से डिफरेंट अटैक यूज करेगा बाकी फिर इस पर। फाइटिंग स्टाइल जो है वो इनका सेम ही है एक्चुअली। यहाँ पे एक दो मिनी बॉसेस भी सेम इन्हीं जैसे यहाँ पे एनकाउंटर करने को मिलेंगे, सो अच्छा है कि इनको मार के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उप्स, अभी नीचे गिरने लगा था। राइटी, एक निंजा और होना चाहिए यहाँ पे, इधर गया। काम तो तमाम करें, बंदा किधर गया, यहीं कहीं होना चाहिए था डेफिनेटली। गिरा, एंड वी आर डन। ओके सो यहाँ पे नीचे कोई आइटम, यप मे बी लिजर्ड्स होंगी यहाँ पे। राइट, एक ही थी मे बी। एंड आई गेस वी आर क्लियर नाउ, चले वापस ऊपर। तो मतलब अगर ये सारे एग्रो हो जाते हैं और आप मतलब चाह रहे हो कि मुझे सबसे फाइट नहीं करनी है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने उस पहले निंजा से फाइट की थी, और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट तेजी से भागते आओ सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, और सिंपली जो है वो यहाँ पे आके इस विंडो में एंटर कर जाओ, और वो आप लोगों को यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली यहाँ पे आके हम सिंपली रेस्ट कर सकते हैं आइडल को अनलॉक करवाने के बाद, और सब कुछ रीसेट हो जाएगा।
अब असल के इंटीरियर को क्लियर करवाना स्टार्ट करें। सबको ओगर फिलहाल नीचे है, तो इग्नोर करते हैं कुछ देर के लिए। सैमुराई में भी हमें फॉलो कर लें यहाँ पे। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो हम एक्चुअली इस पर्पल निंजा को फाइट करने दे सकते हैं इन सैमुराई से। ये भी मुझे ऐसा करने देना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे इन दो से खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। सब के बाद अगेन यहाँ पे वो सीक्रेट रूम मौजूद है, लेकिन कोई नया आइटम यहाँ पे स्पॉन नहीं होगा, सो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। सिंपली अगेन लेट्स गो अप, इसे पिक करें और सेम वही तरीका, क्योंकि फर्स्ट टाइम अशीना कासल को देख करवाते हुए हम लोगों ने यूज किया था। और इससे पहले कि मैं उन सैमुराई से एंगेज करूं, मैं ये आइडल अनलॉक करवाना चाह रहा हूं। जस्ट अनलॉक, यहां पे एक मिनी बॉस फाइट है, बस उससे आके डील करते हैं अभी थोड़ी सी देर में। एक और पर्पल निंजा, तो इस बार मैं फाइट करने देता हूँ इसे। इजीली ये इस नाइट जार निंजा को डील कर लेगा। वेरी गुड, और हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ एशियन के चैम्बर में। बट उससे पहले चेस्ट, ब्लैक स्क्रॉल, एन ओल्ड टेस्ट डिस्क्राइबिंग अ ब्लैक मोटल ब्लेड। में भी हम लोगों ने पहले एक बात सुनी थी, किसी एशियन का डायलॉग था या कुछ ब्लैक मोटल ब्लेड के बारे में। मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई चीज़ पहले भी देखी थी या नहीं, मे बी। बट एक और मोटल ब्लेड है ब्लैक वाली, और उसके बारे में कहा जाता है कि मतलब ओपन गेट उसका नेम रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब है कि ये गेट ओपन कर सकती है अंडरवर्ल्ड का। तो ये चीज़ें मेंशन करना चाह रहा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी के हवाले से, बिल्कुल गेम के एंडिंग के करीब जाके। इससे पहले कि हम लोग जाके बात करें, यहाँ पे कीज ड्रॉप्स का ऑप्शन आना चाहिए। एक्चुअली बात हो रही है गैनीचिरो की और टेंगू की। ऑफ कोर्स टेंगू जो है वो इशिना अशिना खुद है, और मतलब बात यहाँ पे ये हो रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम जब ब्लैक मोटल ब्लेड के साथ गैनीचिरो यहाँ पे आएगा, तो मे भी टेंगू ऑफ अशिना या इशिना अशिना उसको रोकने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो बाद में फिर वो बात करते हैं सेकिरो में भी उसको रोक सकता है। तो ये डायलॉग था बेसिकली। यहाँ पे कोई ज्यादा डायलॉग नहीं होगा। जीजी वा कोको नी इरो तो युकु दे।
राइट, इसके बाद हम लोग सिंपली वापस प्रोसीड कर सकते हैं कासल की तरफ। तो यहाँ से ऊपर नहीं जाना बेसिकली हम लोगों ने, वरना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन स्टोरी वाली बॉस फाइट स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली यहाँ से चलें नीचे और अब इन सबको इग्नोर करते हुए दोबारा चलें यहाँ पे और फौरन से जाके रेस्ट कर लेंगे एंड वी आर गुड। सो या ऑल राइट, तो अब बारी है चेंट ओगर की, और ओगर से फाइट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ख्याल से आपको शुगर के अलावा ऑयल और फ्लेम वेंट। इस फ्लेम वेंट को एक्चुअली हम लोग चार्ज करके फायर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस फाइट में चार्ज करके फायर करना इतना बेहतर नहीं होगा बनिस्पत सिंपल तरीके से इसको यूज़ करने का। इसको सबको इग्नोर करें तो यहाँ पे, और एक्चुअली इस चेंट ओगर पे हम लोग एक डेथ ब्लो मार सकते हैं यहाँ से। ऑल राइट, जो कि मैंने मिस कर दी है बट वट एवर। तो ये फाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही, तो जस्ट इन केस अगर इस तरह के मामलात बन जाए तो यहाँ पे आके हम सेफली आइडल यूज़ कर सकते हैं, ओगर हमें यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते कर सकता। लेट्स ट्राई दिस अगेन वन मोर टाइम। मे बी यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी हमें। ओके, ये चीज ऑयल ओके, मैंने एक हिट एक्स्ट्रा मार दी। बस लास्ट टाइम कुछ हिट्स और इसका काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही हल्के में लेके फाइट कर रहा हूं मैं इसे, और उसकी वजह से मार लग रही है। यप, डेफिनेटली बहुत ही हल्के में लेके फाइट कर रहा हूं। क्योंकि एक्चुअली ये फाइट डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट, और इसी के साथ मतलब ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल बॉस है, लेकिन इसको मारने से ये स्किल अनलॉक हुई है जिससे हमारे जो हीलिंग आइटम्स हैं अब वो थोड़ा ज़्यादा हील करेंगे हमें। तो ये है वो मेन पाथ जो हम पहले ओपन नहीं कर पा रहे थे। एक और एडमंटाइट स्क्रैप, और यहाँ से निकले बाहर कासल की बैक साइड की तरफ। ओके, एक ये एज ड्रॉप। この国もそろそろ要領にもよって、爺様が倒れちまったら、しかし、ちゃん逃げるにしても、जो है मामला इतने खराब हो चुके हैं और इस बंदे को ये पड़ी है कि पैसे मिलेंगे या नहीं। तो एक्चुअली इस चार्ज करने से ये
इस तरह से हमें पीछे पुश कर देगा, जो कि इस इंकाउंटर के अंदर फौरन से, क्योंकि हमें चेन डोकर को अटैक करना होता है, इस वजह से मैं चार्ज करके फायर नहीं कर रहा था इसे, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी सारा क्रिएट हो जाता है हमारे और एनिमी के दरमियान में। ऑलराइट, सो ये एपिसोड मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मोस्टली जो कासल का इंटीरियर है वो क्लियर हो चुका है, बाकी अब यहाँ पे एक्सटीरियर वाली साइड पे यह वाला एरिया छोटा सा रह गया है क्लियर करवाने वाला, और उसके बाद एक मिनी बॉस फाइट वेट कर रही होगी हमारा इस तरफ, सरपेंट श्राइन जो था वहाँ पे। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में मेरे ख्याल से हमारी दो मिनी बॉस फाइट्स और एक मेन बॉस फाइट, तो पूरे मतलब कमाल की एपिसोड होने वाली है हमारी नेक्स्ट वाली, और उसके अंदर हमारी चार में से एक एंडिंग भी होगी। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं उस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।